बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटो पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है होंडा सिटी मंटो 5। आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है दोस्तों एक अजीब सी आवाज़ आ गई। ऐसा लग रहा है जैसे वेट आवाज़ कर रहा है, लेकिन ये वेट आवाज़ नहीं कर रहा है। वेट की कोई आवाज़ नहीं है इसके अंदर। ये पूरी बाइक जो है ये सील्ड है, हेड सिलेंडर वगैरह सब सील्ड है। और अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने परचेज़ की थी। अभी इसके अंदर एक अचानक आवाज़ आई है। घर के पास इनके कोई मैकेनिक है, उन्होंने चेक किया है तो एक ने तकरीबन 6000 मेरे ख्याल खर्चा बताया, एक ने 8000। अभी इनसे पूछते हैं। अभी ये मेरे पास आए, लेकिन इसके अंदर जो है बेसिकली वेट की आवाज़ नहीं है। किस चीज़ की आवाज़ है सब दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे, लेकिन आवाज़ इस तरीके की आ रही है जिससे वेट की तरह की होती है। अब इनसे भाई से बात करते हैं कि आवाज़ कब आई और किस तरीके से आई और इन्होंने कैसे चेक कराया मैकेनिक को। अब इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक हफ़्ता गाड़ी पहले खरीदी थी तो उसमें अचानक ही आवाज़ आ गई, तो वहाँ पे मैंने मैकेनिक को चेक कराई। कोई 6000 बोल रहा है, कोई 8000 रुपये बोल रहा है। फिर मेरे को पता चला बाबर उस्ताद का होंडा के स्पेशलिस्ट मंटो 5 का काम करते हैं। तो अभी मैं यहाँ आया तो मैंने अभी उस्ताद को चेक कराई है। उस्ताद देखो क्या करते हैं, तो किस चीज़ की आवाज़ है इन्हें कोई पता, यही बताएंगे क्या मसला है क्या नहीं। जी तो दोस्तों, इसको चेक करेंगे आवाज़ जो है इसकी। मैं एक दफ़ा बाइक को स्टार्ट करा के आपको चेक करा देता हूँ। जी दोस्तों, आप बाइक को स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आवाज़ है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये आवाज़ आ रही है दोस्तों। आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है जैसे ये वेट की आवाज़ है। मैं भी हेड सेंटर के करीब आपको मोबाइल से चेक करा देता हूँ। ये आवाज़ है दोस्तों, इस साइड से भी चेक करा देता हूँ, क्लच साइड से भी। बाइक को बंद करेंगे, तो मैग्नेट कवर खोलेंगे, गैलीवर खोलेंगे सबसे पहले, ताकि चेक करेंगे ये आवाज़ है किस चीज़ की। आवाज़ जो है दोस्तों ये वेट की तरह ही है, लेकिन ये वेट की आवाज़ नहीं है, क्योंकि वेट की आवाज़ जो है वो एक इस तरीके की होती है कि जब बाइक को एक्सलेटर देते हैं तो वेट की आवाज़ मुसलसल आती है, बंद नहीं होती। लेकिन थोड़े से एक्सलेटर देने पर ये आवाज़ थोड़ी सी कम हो जाती है। तो कम हो जाती है इसका मकसद यही है कि ये वेट की आवाज़ नहीं है। वेट की आवाज़ कैसी होती है इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊँगा। अभी इसका मैग्नेट कवर खोलते हैं, गैलीवर खोलते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसका जो है क्लच कवर भी खोलेंगे और इंशाल्लाह ये आवाज़ बंद हो जाएगी। जी दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि ये मैग्नेट जो है दोस्तों इस टाइम पे ये हिल रहा है। ये देखें, ये वेल्डिंग जो है इसकी है टूट चुकी है ये। लेकिन ओरिजिनल के अंदर जो है दोस्तों ये वेल्डिंग नहीं होती। ओरिजिनल जो है इसके अंदर ये रिपटें लगी हुई होती हैं कैम के अंदर। ये मैग्नेट है, इसके अंदर ये कैम होती है, इसके अंदर रिपटें लगी हुई होती हैं। लेकिन ये रिपटें अंदर से कहीं ख़राब हैं तो जिसकी वजह से किसी ने पहले भी वेल्डिंग करा दी थी, अब ये दोबारा वेल्डिंग जो है दोस्तों ये टूट चुकी है। और ये आवाज़ जो है इस तरीके की इसकी आ रही है मैग्नेट की। ये देखें, ठीक है। और जो ओरिजिनल मैग्नेट होता है दोस्तों उसको भी मैं आपको एक दफ़ा चेक करा देता हूँ। मेरे पास बाइक एक यहाँ पे मौजूद है, ये तैयार हो रही है मेरे पास, मैं इसको चेक करा देता हूँ आपको। ओरिजिनल के अंदर दोस्तों देखें कोई वेल्डिंग नहीं होती, ठीक है। ये ओरिजिनल है, इसमें कोई वेल्डिंग नहीं है। और मैं अब इसको हिलाऊँगा तो इसमें से कोई आवाज़ नहीं आएगी। ये देखिए, इसमें कोई भी आवाज़ नहीं है किसी भी किस्म की, ठीक है। अब दोस्तों इसको मैग्नेट को बाहर निकालेंगे। दोस्तों 17 mm की टीटामी से और आंकड़ा लगा के इसको इस तरीके से खोल लेंगे मैग्नेट।
ये देखें दोस्तों, ये जो है इसकी ये रिपटें जो है इसकी लूज़ हो गई हैं। ये देखें दोस्तों, ये वाली जो रिपटें इसकी ये बिल्कुल लूज़ हो गई हैं, ठीक है। अब ये जो रिपटें हैं दोस्तों, इसको कैम को जो है ये पकड़ के रखती हैं। अब ये लूज़ हो गई हैं, जिसकी वजह से ये आवाज़ कर रही है, देखें। ठीक है दोस्तों, इसको जो है ये देखिए आवाज़ कर रहा है। इसको जो है अब दोबारा वेल्डिंग के टाँके हम जो है मजबूत करा देंगे, इसको वेल्डिंग करा देंगे। वेल्डिंग करा के इसमें लगा देंगे, क्योंकि अभी इनका बजट जो है वो कम है। और इसको फिर लगा के स्टार्ट करके चेक करते हैं कि इसका साउंड अब कैसा है। जी दोस्तों, ये वेल्डिंग जो है हमने करवा दी है। आप देख सकते हैं कि मैग्नेट में चारों तरफ से वेल्डिंग करवा दी है, लेकिन ये मैग्नेट जो है ये लोकल है, मैंने इनको भाई को बताया है। ओरिजिनल जो है मैग्नेट दोस्तों वो ऐसा होता है, ये भी मैंने आपको इनको दिखा दिया है। अभी जो है फिलहाल दोस्तों, ये मैग्नेट को वेल्डिंग करा के हम लगा रहे हैं और साउंड चेक कर रहे हैं। उसके बाद ये बाद में ओरिजिनल मैग्नेट इसमें जीने जो है वो डाल देंगे। ये किसी ने चेंज किया हुआ है और ये क्रॉन लिफान का लगा हुआ है, चाइना वाला मैग्नेट। तो अब इसमें होंडा वाला जो है ये बाद में फिर लगवा लेंगे। अभी फ़िलहाल इसको फिट करते हैं और बाइक को स्टार्ट करते हैं और साउंड सुनते हैं। अब ये देखें दोस्तों, इसमें कोई भी आवाज़ नहीं है किसी भी किस्म की, ये बिल्कुल सेट हो गया। अब बाइक को स्टार्ट करेंगे और अब इसका साउंड चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, ये बाइक अब स्टार्ट कर दी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कैसा प्यारा साउंड है। अब बिल्कुल सुन है, कोई आवाज़ नहीं है। दोस्तों अब बाइक को मैं उस साइड से भी चेक कराऊंगा। ये देखें दोस्तों, बिल्कुल माशाल्लाह साउंड प्रूफ हो गया, कोई भी आवाज़ नहीं है किसी भी किस्म की। जी फारूक भाई, अब माशाल्लाह आपकी बाइक का साउंड कैसा है? अब आपको पेड वगैरह के जो बताया गया था, अब साउंड कैसा है इसका, ठीक हो गया है? माशाल्लाह ज़बरदस्त, अब साउंड निकला है गाड़ी का। टेंशन फ्री हो गया हूँ, और 6 से 8 हज़ार रुपया खर्चा बताया था वहाँ पर मेरे को, माशाल्लाह गाड़ी भी सील रह गई और मेरे पैसे भी बच गए। आपने ईमानदारी से जो काम था वही करा, फालतू काम नहीं करा। ठीक है, आप सही है। अब इसका जो मैग्नेट है, आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने माशाल्लाह ज़बरदस्त दिल खुश कर दिया। नेक्स्ट टाइम भी आपसे ही काम करा। और इसका जो मैग्नेट है ये फ़िलहाल इसमें चाइना का है, पहले किसी ने इंस्टॉल किया हुआ है। तो ओरिजिनल मैग्नेट जो है, जब आपका बजट बने तो इंशाल्लाह ओरिजिनल बजट नहीं था, मैं खुद जो ना मैं हो सकता है इंजन वही खुलवा देता, मेरे पास बजट नहीं था। मैं किसी ने बताया कि बाबर उस्ताद के पास चले जाओ, इंशाल्लाह जो भी काम होगा वही करेंगे, फालतू काम नहीं निकलेगा। तो इसलिए मेरे को आपका नाम सुन गया हूँ, माशाल्लाह ज़बरदस्त काम करा, गाड़ी का स्वामी से निकला है, ईमानदारी से जो काम था वही करा, फालतू काम नहीं करा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।